झारखंड और देश विदेश के खबरों में आपका स्वागत है। पहला खबर है गिरिडीह से, रेल टिकट कालाबाजारी का खुलासा, व्यवसायी गिरफ्तार। हजारीबाग रोड आरपीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को रेलवे के काउंटर से टिकट के दलाली पर ऊंची कीमत पर बेचने के आरोप में चिचाकी बाजार स्थित प्रमोद किराना स्टोर से संचालक राजेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे धनबाद रेल कोर्ट भेज दिया गया है। वहां से अदालत के आदेश पर उसे धनबाद जेल भेज दिया जाएगा। यह खबर है रांची से, कानून में आम आदमी का भरोसा कायम रखने के लिए बहू बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें पुलिस। क्षेत्रीय जन विकास परिषद के अध्यक्ष दयानंद मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार के साख बचाने के लिए नहीं, कानून पर आम आदमी का भरोसा कायम रखने के लिए पुलिस को बहू बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, वह सभी समाज के माथे पर कलंक है। अपराधियों में कानून का डर बना रहना चाहिए। दुष्कर्म जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के तत्काल बाद कार्रवाई करनी चाहिए। जांच की प्रक्रिया सांसों में पूरी करनी चाहिए। यह खबर है जमशेदपुर से, प्राइवेट स्कूल 16 जनवरी को जारी करेंगे नर्सरी में दाखिले की सूची। ये है पूरी जानकारी। प्राइवेट स्कूलों के प्रवेश कक्षा में नामांकन के लिए 16 जनवरी को लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला है। सभी स्कूलों द्वारा रिजल्ट प्रकाशन का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। रिजल्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रकाशित होंगे। राम जन्मभूमि के लिए आज से शुरू होगी धन संग्रह अभियान का शुरुआत, 13 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति की शुभकामनाएं के साथ पूरे देश में शुक्रवार से होगी। इसके लिए शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा। विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अभियान हेतु शुभकामनाएं लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा गया है। यह खबर है रांची से, पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया। आरोपी को लेकर पहुंची घटनास्थल पर रांची के और मानसी के जंगल में सूफिया परवीन नामक की लड़की की जघन्य हत्या करने के मामले में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कराया। पुलिस मुख्य आरोपी शेख बिलाल को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और सीन को रिक्रिएट कराया। युवती की हत्या के बाद उसका धड़ और मांझी के पलाश पतरा जंगल में मिला था। पुलिस सूत्रों के माने तो इस विवल्स वारदात को अंजाम देने की पूरी कहानी का सीन पुलिस रिक्रिएट कर रही है। इसके आधार पर पुलिस अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए तरीके को समझने के लिए पुलिस हर छोटे छोटे बिंदु को नए सिरे से परखना चाहती है। यह खबर है जमशेदपुर से, 4 दशक पुराना चांडिल डैम प्रोजेक्ट जल्द पूरा होगा, 3 गांवों के विस्थापित पहले होंगे पुनर्वासित। चांडिल डैम प्रोजेक्ट के बचे कामों को चरणबद्ध पूरा किया जाएगा। इसमें डैम में 181 से लेकर 153 आरएल मीटर की जद में आने वाले 3 गांवों के लोगों को पहले पुनर्वासित किया जाएगा। इसमें 181 से लेकर 182 आरएल मीटर में एक गांव, 182 से लेकर 182 आरएल मीटर में 2 गांव शामिल है। यह निर्णय जल संसाधन विकास के सचिव प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक रंजना मिश्रा, चांडिल कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम, इच्छा गाल्डी कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता पीएन सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड में नक्सली संगठन टीएसपीसी को बड़ा झटका, 15 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मुकेश गांजू ने किया सरेंडर। झारखंड की चतरा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के रीजनल कमांडर मुकेश गंजू ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। 15 लाख का इनामी नक्सली मुनेश्वर उर्फ मुकेश गंजू ने हथियार के साथ सरेंडर किया है। इस नक्सली के आत्मसमर्पण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दर्जनों नक्सल मामलों में वांछित नक्सली का झारखंड, बिहार, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के पुलिस के अलावा टेरर फंडिंग के मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी तलाश थी।
16 जनवरी से रांची में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में 25,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगना है। इसके लिए 1897 वायरल वैक्सीन रांची के सदर अस्पताल में पहुंच गया है। पहले दिन सदर अस्पताल रांची और नामकुम CHC से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक झारखंड को कोविशील्ड वैक्सीन का 1,62,000 डोज भेजा गया है। इसमें कुल 16,200 वायल है। एक वायल में 5 ml की मात्रा है। एक व्यक्ति को 0.5 ml का डोज दिया जाएगा। एक वायल से कुल 10 डोज दिए जाएंगे। इसके लिए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कोविन ऐप में पूरी कर ली गई है। टीका पड़ने से 24 घंटे पहले इन्हें सेल्फ जनरेटेड मैसेज भेजा जाएगा। इसमें इन्हें टीका पड़ने की टाइमिंग के साथ जगह की भी जानकारी दी जाएगी। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। उद्धव के मंत्री का दामाद समीर खान गिरफ्तार, ड्रग्स का है मामला। ससुर ने कहा था अर्णव गोस्वामी कर लेगा आत्महत्या। NCP नेता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों और कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को NCB ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले NCB ने उन्हें ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। पंजाब में हिंदू सिख को बांटकर CM बनना चाहते थे केजरीवाल। कांग्रेस ने उनके ही साथी के वीडियो से खोली पोल। पंजाब कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने पूर्व सहयोगी और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक पुराने इंटरव्यू के इस हिस्से में कुमार विश्वास ने बताया कि केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के बाद वहां का मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी कर ली थी और उसके लिए वो मनीष सिसोदिया को दिल्ली की कमान सौंपना चाह रहे थे। 15 अगस्त को आएगी देश के सच्चे सपूत की कहानी। कांग्रेस सरकार में बेइज्जत हुए BJP ने दिया पद्म भूषण। अभिनेता से निर्माता और फिर निर्देशक बन चुके R. Madhavan की फिल्म रॉकेटरी का इंतजार लगता है जल्द खत्म होने वाला है। देश की प्रगति के एक गुमनाम हीरो की कहानी को लेकर हिंदी फिल्म बाजार काफी गर्म है। कांग्रेस की सरकार में बेइज्जती हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक नंबी नारायण को BJP की सरकार ने बीते साल देश की तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म इस साल 15 अगस्त को रिलीज होने वाला है। इटली से लौटकर जल्दी कूट का मजा लेने राहुल गांधी पहुंचे मदुरे, लेकिन लोगों ने लगा दी क्लास। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। दरअसल इटली से लौटे राहुल गांधी गुरुवार को तमिलनाडु के मदुरे पहुंचे। इस दौरान वह वहां पोंगल के मौके पर जल्लीकट के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। राहुल के साथ DMK के अध्यक्ष M.K. स्टालिन के बेटे और एक्टर उदय निधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। किसान आंदोलन पर आई बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए भूपिंदर सिंह मान, बताया बड़ा कारण। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन कल 50वें दिन प्रवेश कर गया। कड़ाके की सर्दी में हजारों किसान जल्दी ही सीमाओं पर डटे हैं। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कृषि कानूनों को अपने अगले आदेश तक लागू करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मसले को सुलझाने के लिए एक 4-सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हो गए हैं भूपिंदर सिंह। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्केंडियू कार्जू ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, फार्मर्स प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए दिए 2 सुझाव। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्केंडे कार्जू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जस्टिस कार्जू ने PM मोदी से कहा कि किसानों की ओर से कोर्ट की कमेटी को ठुकराने के बाद सरकार को तुरंत कानून वापस लेना चाहिए और साथ ही हाई पावर किसान कमीशन का गठन करना चाहिए। बुरके ही बुरके, किसान आंदोलन में बुरके वाले भी आए हैं। सनद रहे रतनाल को बुरके वासियों ने ही घसीट कर मारा था। शाहीन बाग के प्रदर्शन से लेकर दिल्ली दंगों तक का सफर तय करने वाली बुरकेधारियों ने अब किसान आंदोलन पर अपना डेरा जमाया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर में देख सकते हैं कि बुरके पहनने वाली तमाम महिलाएं मंच पर जाकर फोटो खिंचवा रही है। तस्वीर देखकर नहीं लगता कि इनका संबंध किसान परिवार से है या ये खुद किसानी करती है, तो ऐसे सवाल है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या कर रही है।
व्हाट्सएप को चुनौती, नई पॉलिसी के खिलाफ दायर हुई याचिका। नए साल की शुरुआत के साथ व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नई प्राइवेसी पॉलिसी लाया है, जिसे लेकर कंपनी विवादों में घिर गई है। इस नई पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप को भारत में बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। दिन वे दिन इसके यूजर्स कम होते जा रहे हैं। इस बीच एक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। साथ ही नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। डल झील बना चट्टान, क्रिकेट खेलने वालों को जेल में डालने की चेतावनी। कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध डल झील पानी जमकर चट्टान बन गया है। उस पर क्रिकेट खेलने और टहलने वालों की बारिशी आ गई। ऐसे में नागरिक प्रशासन को ऐसा करने वालों को जेल में डालने की चेतावनी देनी पड़ी। हालांकि लोगों को ऐसा करने से रोकने व हादसे की सूरत में बचाव के खातिर SDRF की टुकड़ियां भी तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश है, माघ मेले की सुरक्षा के लिए प्रयागराज के ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती की गई। आशुतोष मिश्रा SP क्राइम ने बताया, मेले में ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती कर रखी है। मेले की सुरक्षा के लिए हमने 116 CCTV कैमरा भी लगाए हैं। अब सालों भर खा सकेंगे झारखंड का सहजन और भिंडी, मदर डेयरी लाएगा इसे राष्ट्रीय राजधानी में। सहकारी क्षेत्र की FMGC कंपनी मदर डेयरी के स्टॉल पर अब आप सालों भर भिंडी और सहजन खरीद सकेंगे, वो भी झारखंड के। दरअसल कंपनी इसके प्रोजन कारोबार में प्रदेश करने का फैसला किया है। कंपनी ने झारखंड के कटहल के कारोबार में पहले ही प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने मथुरा के पेड़े और मावा आटा लड्डू के कारोबार में भी उतरने का फैसला किया है। खतरे में धनंजय मुंडे की कुर्सी, शरद पवार रेप के आरोपों को बताया गंभीर, बोले फैसला जल्द। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को गंभीर बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करके शीघ्र फैसला लेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में गिर सकती है ममता सरकार। 41 TMC विधायक BJP में आने को है तैयार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन के लिए गुहार लगा रही है, क्योंकि उन्हें हार का डर सताने लगा है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को एहसास हो चुका है कि वे अकेले BJP का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसी बीच BJP के महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा दावा किया है कि ममता बनर्जी के डर की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता सरकार गिर सकती है, क्योंकि 41 TMC विधायक BJP में आने को तैयार हैं। मकर संक्रांति पर PM मोदी, गृह मंत्री सहित कई दिग्गजों ने देशवासियों को दिया शुभकामनाएं और बधाई। देश में गुरुवार को मकर संक्रांति और पोंगल का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट के जरिए देशवासियों की बधाई दी। PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। PM मोदी की कूटनीति के सामने पस्त हुआ नेपाल। PM ओली ने चीन को सख्त संदेश देने के साथ भारत को बताया अपना सच्चा दोस्त। चीन के इशारों पर नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अकल अब ढीली पड़ती जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक ताकत का एहसास हो चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल की आंतरिक राजनीति में बढ़ते दखल के मामले में चीन को सख्त संदेश दिया है। ओली ने कहा कि हमें अपनी आजादी पसंद है और हम दूसरों के आदेशों का नहीं मानते। उन्होंने कहा कि नेपाल अपने मामलों में स्वतंत्र होकर फैसला करता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।